एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ अनबॉक्सिंग एक ड्राई शीट की, जो कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके बड़े काम के होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल द सुधीर जांगिड में। तो दोस्तों, पैकिंग को हटाने के बाद हमें यहाँ पर ड्राई शीट नज़र आती है एक प्लास्टिक के किट के अंदर, और इसके ऊपर यहाँ पर ये एक पेपर है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ डिटेल्स इसकी दी हुई है, जिसमें बताया गया है कि पानी जो है वो इस शीट के आर पार नहीं जाएगा और एयर जो है वो आर पार चली जाएगी। और ये जो है इसके ऊपर वाली लेयर फाइबर लेयर है और ब्रीथेबल लेयर जो है नीचे वाली है वाटरप्रूफ, जो कि इसके साथ आती है। और आप देख पाएंगे यहाँ पर ये डबल बेड की साइज में है, जो ये वाली शीट है 2 मीटर बाई 2.6 मीटर की इसकी लेंथ एंड विड्थ है, और ये जो है सेलमोन रोज कलर में मैंने यहाँ पर ऑर्डर की है। तो दोस्तों चलिए अभी इसको कर लेते हैं फटाफट अनबॉक्स, इसकी चेन को खोलते हैं हम और निकाल कर देखते हैं इस ड्राई शीट की क्या क्वालिटी है और साथ ही साथ इसकी क्या डायमेंशंस हमें मिलती है, मतलब डबल बेड के ऊपर ये कितनी बड़ी रहती है या छोटी रहती है। दोस्तों इसका फैब्रिक अभी यहाँ पर जब मैंने इसे निकाला तो ऊपर वाला जो फैब्रिक इसका मुझे नज़र आ रहा है बहुत ही सॉफ्ट और ये रुएदार फैब्रिक है। इसका मैं आपको जो है अभी वीडियो के अंदर भी इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा पास में ला करके इसको, और साथ ही इसके मैं आपको माइक्रो कैमरे से खींचे हुए इसके फ़ोटोज़ भी आपको अपलोड करके दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये इसके माइक्रो कैमरे से लिए हुए शॉट्स हैं, जो कि इसके फैब्रिक की डिटेल्स आप इसमें आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरह का फैब्रिक इसका आता है। दोस्तों ये इस तरह की शीट यहाँ पर ये ऊपर वाली लेयर इसकी होती है। तो चलिए जल्दी से इसको अनफोल्ड करते हैं और देखते हैं कि हमें किस साइज में मिलती है। सबसे पहले तो हम इसका कपड़ा चेक करेंगे कि किस तरह का कपड़ा है। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर वाला कपड़ा जो है अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये ऊपर वाला कपड़ा इसका रुएदार एकदम बिल्कुल रुई जैसा फैब्रिक है, एकदम सॉफ्ट, और आप एब्जॉर्प्शन भी इसका काफ़ी अच्छा हो सकता है जो कि इसके कपड़े को देखने के बाद नज़र आ रहा है। और बैक साइड से अगर हम इसकी बात करें तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ये देखेंगे आप कि प्लास्टिक का जैसा इसका एकदम फाइबर है पीछे का, मतलब कपड़ा है, और एकदम स्मूथ है। इसमें हल्के हल्के हमें छेद नज़र आ रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता इसमें पानी आर पार जाएगा या नहीं जाएगा। एयर तो इसके अंदर वाकई में आर पार जाएगी क्योंकि ये इस तरह से बनाया हुआ कपड़ा है, और मुझे लगता है इसको देखने के बाद कपड़े को कि ये काम करेगा वाकई में, और काफ़ी स्मूथ इसकी फिनिशिंग है। तो चलिए अभी इसको हम कर लेते हैं एक बार बेड के ऊपर, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं पूरा बेड पे, इसको बिछा लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या इसकी साइज़ हमें हमारे डबल बेड के ऊपर मिलती है। ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने इसको अपने पूरे डबल बेड के ऊपर बिछा दिया है, और बिछाने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि एक बार पूरा बिछाने के बाद भी लगभग 3.5 से 3 फीट ये एक्स्ट्रा लेंथ में हमें मिलता है, जो कि हमें यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि 2 मीटर बाई 2.6 मीटर जो इसकी लेंथ एंड विड्थ है वो काफ़ी अच्छी साइज हो जाती है, और आप चाहें तो इसको कट करके एक सिंगल बेड के ऊपर भी आसानी से बिछा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेन ड्राई पेपर लिया है, एक आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर जो कि बिल्कुल पूरी तरह से सूखा हुआ है, और एक ग्लास में मैंने यहाँ पर लिया है पानी। तो अभी हम क्या करेंगे, इस सीट को, इस सीट के पीछे मैं इस कागज़ को लगा दूंगा और ऊपर से इसके ऊपर पानी डालूंगा ताकि हमें पता लगे कि इसका पानी जो है वो इस सीट से आर पार जाता है या नहीं जाता है। चलिए दोस्तों, अभी मैंने लगा दिया है पेपर को इसके नीचे, शीट के नीचे, और अभी हम इसके ऊपर एक ग्लास जो हमने लिया है पानी का, उससे हम पानी इस पेपर के ऊपर वाले हिस्से पर, इस ड्राई शीट के ऊपर अभी डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पानी इसके ऊपर डाला है, और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पानी इसके ऊपर मैंने डाला है। अभी मैं देख लेता हूँ कि इसको उठाकर, इस कपड़े को, कि इसका पानी जो है वो आर पार गया या नहीं गया। आप देख पा रहे होंगे साफ पानी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, और अब मैंने पीछे से सीट को हटाया तो आप देख रहे हैं कागज़ पूरी तरह से सूखा है, बिल्कुल भी कागज़ के ऊपर एक जरा सा भी ड्रॉप हमारे पार आर पार नहीं आया है। और आप अभी देखेंगे मैंने इसको हाथ लगाया तो किस तरह से गीला है, दूसरा हाथ मेरा बिल्कुल सूखा है। अब दूसरे हाथ को मैं जो है नीचे अंदर पेपर पे या इस सीट के अंदर लगाने वाला हूँ, और ये देखिए दोस्तों बिल्कुल भी पानी नहीं है। और आप पहले वाले हाथ को अगर देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पहले वाले हाथ पर पानी साफ नज़र आ रहा है।
तो दोस्तों ये टेस्ट में भी पास हो गई है सीट, इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। और अभी देखिए अगर पानी होता तो ये इस तरह से चमकता, ये देखिए, लेकिन वो पानी इसके आर पार गया ही नहीं दोस्तों। तो ये टेस्ट में पास हो चुकी है सीट, इससे पानी बिल्कुल भी आर पार नहीं जाता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो अगर छोटे हैं जो कि बेड पर सुसु कर सकते हैं, तो आपके लिए ड्राई सीट बहुत ही उपयोगी हो सकती है दोस्तों। मेरे घर में भी छोटे बच्चा है, इसीलिए मैंने ये ड्राई सीट ऑर्डर की है जो कि सक्सेसफुल है। मुझे लगता है कि जिन जिन के घर में भी छोटे बच्चे हैं वो सब इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है आप डबल बेड साइज़ में ही मंगाएं, तो सिंगल बेड साइज़ में भी उपलब्ध है और डबल बेड साइज़ में भी, या उससे छोटा भी अगर आप चाहें तो वो साइज़ अलग अलग साइज़ में उपलब्ध है, अलग अलग उन सबकी प्राइस हो जाती है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये अभी भी ऊपर से गीला है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी जो है इसका पानी एब्जॉर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी ड्राई शीट जो कि अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है और पानी इसके बिल्कुल आर पार नहीं जाता है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पर आते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही।